नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। छोटे खली को जरूरी काम आ गया तो हमने कहा चलो हम भी सोशलिस्ट का दौरा कर लेते हैं। बाकी ये दुनियादारी भी हम ही से करा रहे हैं, ललन टॉप शो भी हम ही से करा रहे हैं और अब सोशलिस्ट भी। हमारा हाल नमक के ऐड वाले बच्चे जैसा हो गया है जिससे सफाई भी, शॉपिंग भी, घर के सारे काम भी कराए जाते हैं। चलिए बहुत शिकायत नहीं करेंगे, नहीं तो सिनेमा शो भी हम ही को करना पड़ जाएगा। समय की बर्बादी किए बिना बताते हैं आपको सोशल मीडिया पर आज दिन भर क्या घटा बढ़ा। परीक्षाएं हुई रद्द, बच्चों की हो गई मौज। अमिताभ बच्चन शुभकामनाएं देकर भी क्यों हो गए आलोचना के शिकार। कार में आई पैड भूला बंदा, फोटो है भयानक वायरल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात क्यूटनेस की एंडलेस सप्लाई की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। आज ट्विटर पर दिन भर छाया रहा हैशटैग अंबेडकर जयंती। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती ट्विटर पर भी धूमधाम से मनाई गई। हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए मसान फिल्म के डायरेक्टर नीरज घेवान ने भी पढ़ने और सीखने पर जोर दिया और कहा कि यही असली ताकत है। कहीं किसी यूजर ने महिलाओं को पालकी में बाबा साहेब की तस्वीर ले जाते हुए तस्वीर पोस्ट की तो किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को आर्ट बताते हुए भीमराव अंबेडकर को आर्टिस्ट बताया। तमाम बड़ी हस्तियों ने अंबेडकर जयंती के लिए अपने अपने अंदाज में हैशटैग के साथ मैसेज पोस्ट किए। जैसा कि न्यूटन काका ने कहा है और सोशल मीडिया का अनलिखा सिद्धांत है कि एक्शन का रिएक्शन होगा ही, वैसे ही अंबेडकर जयंती के हैशटैग के साथ ट्रेंड में रहा एक हैशटैग मूर्ख दिवस। लोग ये कहते नजर आए कि आरक्षण से आजादी के बाद किसका और कितना भला हुआ, बल्कि सवर्ण कैंडिडेट से योग्यता के बाद भी मौके छीन लिए जाते हैं। एक यूजर ने मीम शेयर करते हुए कहा कि ये हैशटैग देखकर इतना मजा क्यों आ रहा है। लेकिन मीम शेयर करते हुए लोग बाग भूल जाते हैं कि जिस आजादी से वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी इसी संविधान से ही आती है। अगर आपने कभी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया हो तो आपको अंदाजा होगा कि सबसे मुश्किल क्या होता है, गाड़ी बैक करके लाना और पैरेलल पार्किंग में लगाना। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला दो गाड़ियों के बीच अपनी गाड़ी पैरेलल पार्क करना चाहती है, लेकिन जब हर जतन उसका काम नहीं आता तो दूसरी महिला आकर उसकी मदद करती है। आप सोचेंगे मदद करने वालों से दुनिया खाली नहीं, लेकिन उसके अगले ही पल जो एंटी क्लाइमेक्स होता है उसे देखकर आप झटका खा जाएंगे। वीडियो देख ही लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया की आज की बड़ी हलचलों की। 4 मई परीक्षा गई टाइप सीन हो गया, बिल्ली के भाग से छींका टूट गया, जो हर ना पढ़ने वाले और पढ़ने वाले बच्चे का मन के कोने में छुपा सपना होता है वो सच हो गया। इसी बात पर बोलो पेंसिल, क्योंकि CBSE की परीक्षाएं हैं कैंसिल। 12वीं के पेपर टल गए हैं, 10वीं की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। बच्चे कोरोना को जो डर बताकर मांग कर रहे थे वो मान ली गई है। इसी पर सोशल मीडिया में जमकर बदकुचन चली, ट्रेंड होता नजर आया हैशटैग पोस्टपोन, हैशटैग क्लास 10। टॉप ट्रेंड नजर आया हैशटैग CBSE बोर्ड एग्जाम 2021। जब तक परीक्षाएं रद्द नहीं हुई थी, PM की मीटिंग की बात चली, तब तक सोशल मीडिया यूजर्स नाना प्रकार के मीम चलाकर कह रहे थे कि सरकार मीटिंग ऑनलाइन ले रही है और परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस ट्रेंड में ऐसे लोग भी ट्वीट करते मिले जो स्टूडेंट्स तक नहीं थे। उनका ये मजाक उड़ाया गया कि मैं जो स्टूडेंट नहीं हूं और मीम शेयर कर रहा हूं, ये सब चंद लाइक और रिट्वीट्स के लिए कर रहा हूं। लोगों ने लिखा, बस परीक्षा रद्द करने से कोरोना थोड़े ना काबू में होगा, चुनाव का क्या, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी धज्जियां उड़ा रहे हैं उसका क्या। कुछ लोग नया ही सुर पकड़ लाए, लिखा अटल बिहारी भाजपा के नेता कहते थे सब पढ़ें सब बढ़ें, अब भाजपा ही कह रही है बिना पढ़े आगे बढ़े। अब इस बात का क्या मतलब है, प्लीज किसी को समझ आया हो तो हमें भी समझा दें। कुछ ने टॉन्ट मारा कि आई होप 10वीं वाले तब भी इतना खुश हों जब भविष्य में उनकी गोवा की ट्रिप कैंसिल हो जाए। और अंत में थोड़ा
फेवरेटिज्म कर लेते हैं। दिखाते हैं आपको अपनी ही टीम के एक साथी का पोस्ट जो बहुत सही लगा। प्रशांत ने लिखा, भगवान परीक्षा ले रहा है इसलिए CBSE रद्द कर रहा है। कोई बात नहीं, जिनकी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं वो ये ना करें कि लेके बैट बल्ला मैच खेलने निकल जाए, घर में बैठें पढ़े लिखें। हम भी खेलते थे लेकिन केसेस बढ़े तो देखो दिल पर पत्थर रख के बैठे हैं, खेलने नहीं जा रहे। आज भी रात को सपने आते हैं कि सरपंच की 6 गेंद में 6 छक्के लगातार मार दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। व्हाट्सएप के किसी भी मैसेज की अंतिम शरण स्थली, अपने पोस्ट नंबर सुधारने के लिए दुनिया में मशहूर और आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई उठापटक करने के लिए मशहूर अमिताभ बच्चन की। उन्होंने कल फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, FB 2803 शुभकामनाएं। उसके आगे 3 डॉट जुड़े हुए थे, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं थी। समस्या थी उस फोटो के साथ जो उन्होंने अपलोड की। सबसे ऊपर लिखा था राष्ट्रकवि दिनकर की रचना, आगे थी एक कविता कि ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, वगैरह वगैरह। बेसिकली ये उस कविता का हिस्सा है जिसकी शुरुआत ऐसे होती है कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं, हर साल नए साल पर ये कविता दिनकर जी के नाम से चलती है। लोग बताते हैं कि ये उनकी है ही नहीं। रोहतक के किन्हीं अंकुर आनंद का नाम बताया जाता है या किन्हीं मंधाता सिंह का, पर कुल जमा सार ये है कि दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है, ना उनकी किसी किताब में है। और साहित्य में इंटरेस्ट रखने वाले पढ़ते ही समझ लेंगे उनके लिहाज से बहुत बिलो एवरेज वाला मामला है। लोगों ने लिखा, बहुत समय से वायरल हो रही है लेकिन ये दिनकर जी की रचना नहीं है। ठीक वैसे जैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बच्चन जी की नहीं है। कुछ ने कहा, कविता के अंश को आप सोशल मीडिया पर दिनकर जी के नाम से फैला तो रहे हैं मगर ये कविता उनके द्वारा लिखी नहीं है, लोगों तक गलत जानकारी पहुंच रही है, कृपया इसमें सुधार करें। कुछ लोगों ने ये तो मान भी लिया कि ये दिनकर जी की लिखी हुई कविता है, लेकिन उस बात पर भी अमिताभ बच्चन को कोसने लगे। पुरानी बात याद दिलाई कि आपके पिताजी की कविता की कुछ पंक्तियां कुमार विश्वास ने कहीं सुना दी तो आपने उनको नोटिस थमा दिया और उस वीडियो से हुई कमाई का हिसाब मांगा था और कुमार विश्वास जी ने 32 रुपये आपको दिए थे। फिर इस किस हिसाब से दिनकर जी की कविता आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर कैसे पोस्ट कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, दिखाते हैं ट्विटर पर दर वायरल हुई एक तस्वीर। 4,43,000 से ज्यादा लाइक्स इस फोटो पर 2 दिन में बरस चुके हैं, 52,000 से ज्यादा रीट्वीट हूं, माने असल में ये चीज वायरल हुई पड़ी है। और है क्या इसमें, कैप्शन में लिखा है स्पेंड 2 वीक्स, छोड़ो हिंदी में बताते हैं, लिखने का मतलब था मैं 2 महीने से अपना आईपैड खोज रहा था, नजरिया आता है कि बंदे की सीट का कलर और आईपैड का कवर एकदम मैच खाते हैं और सीट की लाइनिंग से आईपैड का डिजाइन ऐसा भयानक, ऐसा भयंकर, ऐसा सटीक, ऐसा कातिलाना, ऐसा हाहाकारी मैच कर रहा था कि एक बार में तो आदमी पकड़ ही ना पाए कि यहां कुछ रखा है। बस यही खेल है, इसी कारण तस्वीर वायरल है। सोशल लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी सेगमेंट की, नाम है इसका पिक ऑफ द डे। आज जो फेसबुक पेज हम आपको बताने जा रहे हैं वो एंडलेस क्यूटनेस का खजाना है, नाम है वूफ वूफ। क्यूट कुत्तों के वीडियोस, उनकी हरकतें इस पेज पर आती हैं और आकर वायरल हो जाती हैं। एक एक दिन में मिलियंस में उनके व्यू होते हैं और बहुत मजेदार वीडियो होते हैं, आदमी बस देखता ही चला जाए। तो आपको भी कुत्ते पसंद हैं तो आप ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम चले, टाटा।